फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले अभी तक हमने तीन टेंस के बारे में सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हमारा फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें भी जो बाकी के अंत में आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आता है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है और वो ये है कि उसके अलावा समय के साथ से का प्रयोग होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और यही इसको थोड़ा सा अलग करता है। इसमें हम क्या करेंगे, समय के साथ से मतलब सिंस और फोर का प्रयोग होगा। सिंस और फोर, अब सिंस में कब सिंस कब यूज होता है और फोर कब यूज होता है उसके लिए देखते हैं। देखो, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो फोर है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित टाइम बताना हो उस समय यूज होता है सिंस, जैसे सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, 4 बजे से, सिंस 4 o'clock, सोमवार से, सिंस मंडे, 2000 से, सिंस 2000, मतलब जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम से लेके अभी तक अगर काम कंटिन्यू हो रहा है तो ऐसे समय के लिए हमें सिंस का उपयोग करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम का। और पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे हमें ये कहना है 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से, और इस तरह के जब हम वाक्य यूज करेंगे उसमें फोर का इस्तेमाल होता है। तो ये क्लियर होगा आई थिंक, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। उसके अलावा हम थोड़े से नियम देख लेते हैं इसमें क्या, जिस तरह से कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मतलब परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव, तो हैज हैव आएगा ही, और कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म होता है, तो इसमें अलग क्या, तो इन दोनों के साथ में बीन यूज होता है। जैसे अफर्मेटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव यूज होगा, बीन यूज होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फोर, और उसके बाद टाइम। सिंस और फोर की अभी मैंने बात की है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फोर का इस्तेमाल होता है। बस ये पहला सेंटेंस है, अगर ये इतना चीज ख्याल रहती है तो बाकी के सभी सेंटेंस में वही चीजें आएंगी सेम। नेगेटिव में हैज नॉट, हैज हैव के बाद में नॉट लगेगा और उसके बाद बीन लगेगा, बाकी का सब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर और टाइम, वो सब सेम रहता है। वही हम तीसरी तरफ देखते हैं इंटरोगेटिव में, तो इंटरोगेटिव में हैज हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर और टाइम। इसके बाद जो डब्ल्यूएच की बात है वही चीज होती है, बस डब्ल्यूएच में व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, वो सब इसके आगे बस लग जाता है, और बाकी की पूरी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन प्रोसेस है वो सेम रहती है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर आता है तो परफेक्ट का हैज हैव में से कोई एक आएगा, बीन ऐड होता है, और कंटिन्यूस में पता ही हमें आईएनजी फॉर्म लगता है तो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फोर, वो होगा डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, चलो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम हैज बीन रीडिंग बुक, हम ये कहें कि राम 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो 2 बजे से उसने पढ़ना शुरू किया और अभी भी चालू है, तो क्या हम लिखें, राम, पता ही है हमने बताया था थर्ड पर्सन जितने भी हैं उसमें क्या आता है, सिंस का यूज होता है, ही सॉरी हैज का, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये वही रहेगा। तो राम हैज बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock, मतलब वो 2 बजे से पढ़ रहा है इसलिए 2 o'clock। अब अगर यही चीज हम एक वी के साथ करते हैं तो उसमें हैव आएगा, वी हैव बीन प्लेइंग गेम, लेकिन हम 3 घंटे से खेल रहे हैं। अब यहां पर कोई जिक्र नहीं किया है कि कितने बजे से खेल, 3 घंटे से खेल रहे हैं, राइट, तो ये क्या हुआ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हुआ, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या आता है, फोर का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से नेगेटिव में,
तो नेगेटिव में राम हैज नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock. तो राम 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है, राइट. तो टाइमिंग क्लियर रखने हैं, 2 बजे से, यही मेन चीज है. सिंस या फोर, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यही पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेगेटिव में जैसे वी हैव नॉट बीन प्लेइंग गेम फॉर 3 आवर्स. हम 3 घंटे से गेम नहीं खेल रहे, पर 3 घंटे का कोई फाइनल जिक्र नहीं है. उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो हैज और हैव जो होता है उसको हम आगे ले लेंगे. तो हैज राम बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock. ओके, अब उसी तरह से दूसरा है, हैव वी बीन प्लेइंग गेम फॉर 3 आवर्स. इसी तरह से कोई WH का भी होगा तो हम क्या करेंगे, why, when, where, सब इसमें आगे ही ऐड कर देंगे और बाकी का जो सेंटेंस है वो पूरे का पूरा ऐसा ही रहेगा. आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी. जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें has, have, been और ing फॉर्म का यूज होना और साथ में सिंस और फोर का इस्तेमाल. सिंस और फोर मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अगर इतनी चीजें हमें याद रहेंगी तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी गलत नहीं होगा. आज हमने इसके साथ हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट टाइम में हम पास्ट टेंस कंटिन्यू करेंगे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी जानकारी लेंगे. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.